दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत झलौन से एक मामला सामने आया था, जहां झलौन शराब दुकान के मैनेजर राकेश राजपूत अपने एक साथी के साथ झलौन शराब दुकान से 1,71,000 रुपये लेकर तेंदुखेड़ा की ओर आ रहे थे। बीच रास्ते में नाग बाबा के मंदिर के पास उन्हें रोका गया। कार में सवार युवकों के द्वारा उन्हें रोका गया और उनसे यह राशि लूट ली गई। बाद में लुटेरे मौके से फरार हो गए। बताया गया था कि एक सफ़ेद रंग की कार है, जिसमें कुछ लोग हैं जिनके द्वारा इस लूट की घटना को घटित किया गया है। तेंदुखेड़ा पुलिस के द्वारा चंद घंटों में इस मामले को सुलझा लिया गया। संजू पायल को पकड़ा गया तो संपूर्ण जो कड़ियां थीं वो एक के बाद एक जुड़ती चली गई। ये चार आरोपी हैं जिनके द्वारा लूट की घटना को घटित किया गया था। वहीं आज इस मामले का पटाक्षेप किया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक सुदकीर्ति सोमवंशी के दिशा निर्देश पर SDOP तेंदुखेड़ा के द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया, जिनके द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में हमें विस्तार से जानकारी दी गई। दिनांक 10/11/24 को फरियादी राकेश और दद्दू राजपूत के द्वारा जो झलौन शराब दुकान में गद्दीदार मैनेजर का कार्य करते हैं, उनके द्वारा 1,71,130 रुपये की राशि जमा करने के लिए अपने जो मुख्य कार्यालय है तेंदुखेड़ा में यहाँ लेकर के आ रहे थे। प्रातः कोई 11:15 के लगभग का टाइम था और मोटरसाइकिल में अपने साथी के साथ में आ रहा था। उसे जंगल में रोक करके और दो अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। उस घटना की रिपोर्ट यहाँ दर्ज करके थाना तेंदुखेड़ा में हमारे TI विजय खैरवार साहब के द्वारा और तत्काल मौके पर रवाना किया गया। हम स्वयं रवाना हुए और पूरे ज़िले में मैसेज करके थाना प्रभारी तारादेही को लगाया गया। इसमें बताए हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर संजू पाल को विश्वास में लेते हुए, जो निवासी बमौड़ी का है, इससे हिकमत अमी से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म घटित करना स्वीकार किया और अपने साथ में आरोपी राजेंद्र लोधी तथा टेक सिंह लोधी निवासी बमौड़ी, देवी सिंह लक्ष्मण सिंह लोधी बमौड़ी और आरोपी सिल्लू जो दुधिया गांव का रहने वाला जो स्थापित गाँव का, उसको पकड़ने के लिए थाना प्रभारी तारादेही राजू पुरोहित को रवाना किया गया और इनको सब इलाके जब हिकमत अभी से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा इस घटना को पारित करना स्वीकार किए और गाड़ी को छुपा करके झलौन के आगे हरवई में जंगल में उनको रख दिया और उसको पैरा से ढाक के रख दिया गया था। फिर उसको खींच कर लिया गया और सबको जब्त किया गया और विवेचना जारी है। राशि कितनी जब्त किया गया और 1,71,130 रुपये की पूरी राशि बरामद की गई। इस मामले में काफ़ी सराहनीय कार्य तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी एवं तारादेही थाना प्रभारी के द्वारा किया गया। स्टाफ के द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया, जिसके चलते चंद घंटों में संपूर्ण मामले का पटाक्षेप हो गया है। तेंदुखेड़ा से सोनू यादव की रिपोर्ट।